शौर्य का सूर्य है पृथ्वीराज और बाकी सब जुगनू का प्रकाश। पृथ्वी का एक एक सामंत पृथ्वीराज है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, कमल हसन की फिल्म विक्रम, वही से सादेवी की फिल्म मेजर, इन तीनों ही फिल्मों ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर एक बम्पर ओपनिंग ले ली है और तीनों ही फिल्मों के कलेक्शन शानदार है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विक्रम, पृथ्वीराज और मेजर, इन तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से पहले दिन कितने करोड़ रुपए कमाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म मेजर के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं से सादेवी, साई मांजरेकर, बता दूं दोस्तों फिल्म का टोटल बजट है 55 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में दुनिया भर में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया है। फिल्म को तेलुगु स्टेट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वही तमिल वर्सन में फिल्म के पास ज्यादा स्क्रीन नहीं थी और तमिल से फिल्म के कलेक्शन कोई खास नहीं रहे। लेकिन बात करें हिंदी की तो फिल्म ने हिंदी में भी कोई खास बड़ी कमाई नहीं की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से मेजर फिल्म ने अपने पहले दिन तमिल, तेलुगु यानी कि साउथ एरियाज में 6 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वही पहले दिन इस फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 1 करोड़ रुपए का रहा, मतलब कि फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया में 7 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जिसका ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ का हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मेजर का जो फर्स्ट डे ओवरसीज कलेक्शन है वो रहा 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों मेजर फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है 11 करोड़ रुपए, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी शानदार कमाई कह सकते हैं। अगर बात करें फिल्म विक्रम के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फाजिल, इस फिल्म को भी हिंदी, तमिल, तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज किया है। फिल्म का टोटल बजट है 170 करोड़ रुपए और इस फिल्म को इंडिया के अंदर 3500 स्क्रीन में रिलीज किया है और इस मार्केट में 2500 स्क्रीन पे, यानी कि ये फिल्म दुनिया भर में 6000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों विक्रम फिल्म को तमिलनाडु में काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला है, साथ ही साथ फिल्म ने केरला, कर्नाटका और तेलुगु स्टेट से भी ठीक ठाक कमाई कर ली है। लेकिन इस फिल्म के जो हिंदी कलेक्शन है वो काफी कम रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से विक्रम ने अपने पहले दिन तमिलनाडु से कलेक्शन किया 24 करोड़ का, केरला से 3 करोड़ रुपए, तेलुगु स्टेट से 2 करोड़ रुपए, कर्नाटका से 4 करोड़ रुपए, वही हिंदी मार्केट से 70 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों विक्रम का जो फर्स्ट डे इंडिया कलेक्शन है वो रहा 34 करोड़ रुपए का और फिल्म ने पहले दिन ओवरसीज मार्केट से 12 करोड़ रुपए कमाए, मतलब कि दोस्तों विक्रम फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर से 46 करोड़ रुपए की कमाई की है। बताना चाहूंगा दोस्तों 46 करोड़ की ओपनिंग कमल हसन सर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। वही बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं सोनू सूद, संजय दत्त और मानुषी छिल्लर। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म के रिव्यूज काफी शानदार है और ये फिल्म पब्लिक को खूब ज्यादा पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उम्मीद थी ये उम्मीदों से भी कई बेहतर फिल्म बन के तैयार हुई है, जिसकी ही वजह से फिल्म ने पहले दिन 2022 के बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग ले ली है। सबसे पहले बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज फिल्म का बजट है 140 करोड़ रुपए, जिसमें अक्षय कुमार की फीस को नहीं जोड़ा है क्योंकि अक्षय कुमार खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। बात करें इस फिल्म की रिकवरी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के डिजिटल राइट और सैटेलाइट राइट 132 करोड़ में पहले ही बिक चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म भी हिंदी, तमिल, तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज हुई है और इस फिल्म को तीनों भाषाओं में हिंदुस्तान के अंदर 3700 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया है और ओवरसीज मार्केट में यह फिल्म 1200 स्क्रीन पर रिलीज की गई है, मतलब कि दोस्तों पृथ्वीराज फिल्म को दुनिया भर में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया है। बात करें फिल्म के अर्ली एस्टिमेट फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों पृथ्वीराज फिल्म अपने तीनों भाषाओं में पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है
लिए लगभग 15 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 18 करोड़ का हो रहा है। बात करें ओवरसीज कलेक्शन की तो फिल्म का पहले दिन ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों पृथ्वीराज फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन बनता है 25 करोड़ का, जो कि एक तरह से डिसेंट ओपनिंग कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जिसके चलते उम्मीद है कि ये फिल्म कल और परसों बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से भी ज्यादा कमाई करेगी।